नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभी। झांसी से बड़ी खबर, नामचीन हिस्ट्री शीटर अपराधी विधवा महिला को शिकायत पत्र वापसी लेने की और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, ऑडियो वायरल हो गई। जानकारी के अनुसार मोहल्ला कटरा मऊरानीपुर के आधा दर्जन लोगों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह को एक हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र दिया। उसमें बताया कि श्रीमती रामा एक गरीब विधवा महिला है और प्रार्थी गणों के मकान पड़ोस में बने हुए हैं और हम लोगों के पास में ही एक नामचीन हिस्ट्री शीटर आपराधिक किस्म का व्यक्ति रहता है, छोटू उर्फ संतोष, जिसके खिलाफ कोतवाली मऊरानीपुर में अनेक मामले दर्ज हैं और कई मुकदमे न्यायालय में भी विचाराधीन चल रहे हैं। उक्त दबंग हिस्ट्री शीटर अपनी गुंडई के दम पर मेरे मकान के लिए आने वाले रास्ते में शौचालय का निर्माण उसने कर लिया है, जिसके संबंध में पीड़ितों और विधवा महिला रामा देवी ने पूर्व में मऊरानीपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उक्त दबंग व्यक्तियों के दबाव में पुलिस ने कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की और रास्ते में वर्षों पुरानी नाली बनी हुई है, जिसमें हम लोग घरों के पानी के निकास के लिए उक्त नाली में पाइप डालना चाहते हैं, लेकिन उक्त दोनों दबंग भाई नाली में पाइप नहीं डालने दे रहे हैं और आए दिन हम लोगों को गाली गलौज कर तमंचा लहराते हुए धमकी देते हैं कि यदि मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी तो जान से मार देंगे। मेरे घर में दहशत का माहौल है। जब मैंने प्रार्थना पत्र दिया पुलिस प्रशासन को तो अपराधी ने मुझे फोन पर जान से मारने की धमकी दी। वो बोल रहा था कि पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऑडियो वायरल हो रहा है। मऊरानीपुर तहसील के पुलिस प्रशासन मीडिया के कैमरे के सामने आने से सच्चाई से पल्ला झाड़ रहे हैं। ये समस्या है कि वो छोटू श्रीवास है, जो 3 दिन पहले मैंने नाली के बारे में एप्लीकेशन दी थी मैंने मेरी चाची ने, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं 3 दिन से परेशान है। उसने आज नाली भी तोड़ दी, पाइप भी तोड़ दी है और कह रहा है यहाँ से नाली निकालोगी तो जान से तेरे और तेरे पति को मार दूंगी। उसने मोबाइल पे भी धमकी दी है कि मैं पुलिस का काम करता हूँ, मेरा कोई प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है, वो मैं कुछ नहीं। मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। क्या घटना हुई है आपकी बहू लड़की के साथ में? जब भी परेशान करता है छोटू नाली के पीछे और रात में काको धमकी देता है, तो हम तो न्याय चाहते हैं कि काको हमें तो न्याय चाहिए होते आते हैं तो कोई सुनाई नहीं होती है। वे कहते हैं कि पुलिस वाले तो सब हमारे साथ, मतलब कोई कुछ नहीं करता है, हमारे साथ में सब हैं पुलिस वाले। तो आप कितने दिन से चक्कर काट रही हैं? हमें 4 दिन हो गए चक्कर काटत, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी, ना कोई कार्रवाई हो रही ना कोई सुनाई हो रही। अब आप क्या चाहती हैं सरकार से? हम तो न्याय चाहते हैं कि हमारा न्याय हो चाहिए। तुम नखलऊ नहीं, नखलऊ के बाप, नखलऊ से भी बड़ा बाप दिल्ली हो, दिल्ली भी चले जाओ। सुनो छोटू अब्बा, सुनो अब्बा, सरकार नहीं है, सरकार बदल गई पूरी तरह से। सरकार बदल गई जी, तुम्हें उद्देश्य बता रहे हम। सरकार बदल गई, कोई तो अभी देख सकती है, बता रहे तुम्हें शक्ति सरकार। वो तुमने सुनो, तुमने हमारे छत पे कछु रख भी दा हुई है, सुनो तो वो बरामद नहीं होने, इसलिए नहीं होने के देखो हम उनकी तो नहीं है। ये क्या फाइल क्या तमाम कछु की बात ही नहीं है, कुछ नहीं, ऐसी मानी ही नहीं जाती झूठी सासी बातें कि का है का नहीं है। अरे जो मोती चोरी में पकड़े उनकी तो नहीं है, थाने में रिपोर्ट का उनकी रिकॉर्ड नहीं है। अब ये नहीं है जो कछु नहीं मानो, हम आदमी चलो जे साल वाएंगा, चलो जे 6 महीना का, चलो जे हमन भूकंप तो मानना जे। देखो हमन इतो तो भगवान हम उनका दे है, इतनी क्षमता दाए हम ससोई तो चले। भगवान ने तुम्हें कछु ज्यादा ही दे दो, सो तुम हमसे बेर कर रही। सुनो हमें ज्यादा नहीं दे दो छोटू, तुम हम उन्हें ना जा सता रहे गरीब हो के, हम उनके पास को आदमी नहीं है ना, सो तुम ज्यादा का नाम कह के हम लोग उनका सो दबा रहे। हम बताए हमने तुम्हें कितने से दबा दो? अब तुम जो दबाव हुई तो है, तुम अब को के घर में और जाके घुस